अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस एकेडमी के साथ, और आज हम फिजिक्स का 12वां लेक्चर देख रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसके बाद उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पीपीएससी और एपीएससी एमसीक्यूज। सो डियर स्टूडेंट, वक्त जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहले इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर इसके थ्री लॉज को डिस्कस करते हैं। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्चुअली एम्पिरिकल लॉज डिड्यूस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट से कुछ मोशन से रिलेटेड जो लॉज न्यूटन ने फाइंड किए थे उन्हीं के ऊपर एक बुक, पूरी एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम प्रिंसिपिया है, और इसी प्रिंसिपिया बुक में से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और बेसिक थ्री लॉज जो है वो आज हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं। सो आइजैक न्यूटन ने 1687 के अंदर ये थ्री लॉज अपनी बुक प्रिंसिपिया के अंदर राइट किए थे। सो डियर स्टूडेंट, इनकी वैलिडिटी क्या है न्यूटन्स लॉज की? सो इनकी जो वैलिडिटी है वो है ऐसे पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करना है जिनकी स्पीड वेरी स्लो हो, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में उनकी बहुत ही स्लो स्पीड हो, मतलब लो मूविंग या स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड से रिलेटेड होंगे ये लॉज। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन, ये लॉज ऑफ मोशन क्या करते हैं, ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं किस किस के बारे में, मोशन ऑफ बॉडी के बारे में, उसके मास से रिलेटेड और फोर्स। सो लॉज ऑफ मोशन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ बॉडी, मास एंड फोर्स। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं वेरी हाई स्पीड मूविंग पार्टिकल्स की, जिस तरह से कि हम रिलेवेस्टिक मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो रिलेवेस्टिक मैकेनिक्स में मोशन को स्टडी किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन पार्टिकल्स की, एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी की थी जिनकी स्पीड दैट इज इक्वल टू या अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन हमारा क्योंकि टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, इसलिए हम न्यूटन्स को ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, न्यूटन्स ने जो फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस करवाया उसके मुताबिक ये है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। मतलब कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। बॉडी अगर रेस्ट में है, आप फोर्स लगाएंगे तो उसको स्टेट ऑफ मोशन में ला सकते हैं। बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सपोज कर लेते हैं कार ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जब तक आप ब्रेक सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो कार स्टॉप नहीं करेगी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है कि बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करती रहेगी, बॉडी एट रेस्ट तो वो रेस्ट में रहेगी, अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। सो डियर स्टूडेंट, पहले इसकी स्टेटमेंट है बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एक्ट अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स, जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। अब यहां पर हमने एक छोटी सी इसके साथ एक पॉइंट लिखा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज मेजर द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये हमें फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। कैसे? फोर्स क्या है? फोर्स हमारे पास एक ऐसे एजेंट को कहते हैं जो या तो बॉडी को रेस्ट में लेकर आता है या फिर उसको मोशन में लाने लेकर जाता है, या रेस्ट में लाने की कोशिश करता है या मोशन में लाने की कोशिश करता है। सो इस हिसाब से तो फोर्स इज एजेंट टू चेंज इट स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, या फिर हम कहते हैं कि प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। तो इन दोनों केसेस के अंदर जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि उस बॉडी की स्टेट भी चेंज हो जाएगी और उस बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। इसके बाद ये स्टूडेंट, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की वैलिडिटी क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहां वैलिड होगा? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होगा। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी वैलिडिटी है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब डियर स्टूडेंट, हमने दो बातें की हैं कि एक बॉडी
या रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, जब अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। सो इसके हमने दो पॉइंट्स बनाए हैं। अगर तो अनबैलेंस फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये है कि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, इसका मतलब बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा, उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसी तरह से अगर अनबैलेंस फोर्स जीरो नहीं है, मतलब अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी पर एक्ट कर रही है, तो फिर इसका मतलब वो अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन नहीं रख सकेगा। रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में है तो वो रेस्ट में आएगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगी। तो ये दो कंडीशंस बनती हैं हमारे पास। डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और लॉ ऑफ इनर्शिया की जो बुनियाद थी वो अबू अली सीना ने रखी थी। सो अबू अली सीना ने जब मोशंस को स्टडी किया तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी, और अबू अली सीना की जो स्टेटमेंट थी वो थी, नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम टू रेस्ट इटसेल्फ, ना तो कोई बॉडी खुद ब खुद मूव कर सकती है, ना ही कोई बॉडी खुद ब खुद रेस्ट में आ सकती है। तो यहीं से इनर्शिया का जो कंसेप्ट था वो हमें मिला, और इसी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इसी वजह से लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इससे भी पहले हम बताते हैं कि इनर्शिया है क्या चीज। इनर्शिया की अगर मेजरमेंट करनी हो तो हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। सो इनर्शिया मेजर करने का आसान तरीका ये है कि आप उस बॉडी का मास मेजर करेंगे, क्योंकि मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। सो एक्चुअली मास ही इनर्शिया की मेजरमेंट करता है। अब इनर्शिया क्या चीज है, इनर्शिया किसी बॉडी की वो एबिलिटी है जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है, इट्स एबिलिटी टू मेंटेन इट्स स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब डियर स्टूडेंट, इसको आप यू भी कह सकते हैं कि इनर्शिया एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी चेंज को अपोज करता है। बॉडी रेस्ट में है तो आप उसको मूव कराना चाहते हैं तो इनर्शिया स्टेट ऑफ मोशन के अगेंस्ट अपोज करेगा। अगर एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो इनर्शिया चाहेगा कि वो बॉडी मूव करती रहे। सो अपोजिस द स्टेट, अपोजिस द चेंज ऑफ मोशन, मतलब ये क्या काम करता है, अपोजिस एनी चेंज, वो उस स्टेट को अपोज करता है। आप अगर मोशन में लाना चाहते हैं या उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं तो अपोज करेगा। सो इस वजह से हम इसकी डेफिनेशन ये भी करते हैं, टेंड टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। डियर स्टूडेंट, इनर्शिया की हमारे पास थ्री बेसिक टाइप्स हैं, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या है, देखिए इनर्शिया एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें बॉडी अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू अबू अली सीना। सो इस तरह से अगर हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी की वो एबिलिटी जिसमें वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता, इनर्शिया ऑफ मोशन इनएबिलिटी ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, कि वो खुद ब खुद अपनी मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसी तरह से वो खुद ब खुद बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से हमारे पास इसकी तीन टाइप्स हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनएबिलिटी टू चेंज, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इटसेल्फ। अगर आप इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं तो ये भी बनेगा, inability to change in its state of motion itself. Inertia of direction की बात करते हैं तो inability to change its state of direction by itself. So dear student, inertia क्या है आपके पास? That is the mass is quantitative measure of inertia. अब inertia से आगे हम बात करते हैं inertial frame, non-inertial frame और what is frame of reference. डियर स्टूडेंट, अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। हम ये जो स्टेटमेंट देते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली जब आप एक रूम में बैठे हैं और उस रूम के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
तो वो रूम जो है वो आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहा जाता है जहां पर आप मेजरमेंट्स लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, कोई मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो गाड़ी तो एक्सेलरेटिंग है, तो वो भी आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह से अगर आप एक रूम में मौजूद हैं, एक जगह पर मौजूद हैं, चाहे वो आप जमीन पर ही बैठे हैं, तो वो भी तो आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे आप मेजरमेंट कर रहे हैं। इसी हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमने दो टाइप्स बनाई हैं। एक हमारे पास है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी इसकी टाइप है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सी होगी? जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होगा। अब लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़ रहे हैं कि बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें क्या होगा, बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है जहां आप मेजरमेंट ले रहे हैं। या आप यूं कह दें कि उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, और इसके अलावा उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। जब फोर्स नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू एफ इज इक्वल टू एम ए। अब डियर स्टूडेंट, इसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से इसको नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ और वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल सी बात है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसकी मोशन कांस्टेंट नहीं है बल्कि उसकी वेरिएबल मोशन है, कभी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सो दैट इज दैट टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या रीजन है कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है? यकीनी सी बात है कि अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। इसमें अनबैलेंस फोर्स जीरो नहीं होती, जब फोर्स एक्ट करेगी तो यकीनन एक्सेलरेशन भी होगी, तो ये एक्सेलरेशन यहां पर जीरो होगा, या यूं कह दें कि इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दो आपके पास टाइप्स थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होगा। तो आमतौर पर जो अर्थ की मोशन है ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसीलिए अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, सो क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। अब डियर स्टूडेंट, इसकी स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी है बहुत आसान, कि किसी भी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो एक्सेलरेशन मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर हम दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे, फिर हम यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा के आपके पास। तो यहां पर यूजिंग एसआई यूनिट्स अगर हम एसआई यूनिट्स को यूज करते हैं तो के की वैल्यू आपके पास 1 होगी और ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम और एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू एम ए, आज फिर लाइट चली गई है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब फोर्स क्योंकि आपके पास वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी आपके पास वेक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इसी तरह से और हम ये देखते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपके पास फोर्स की होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में पैरेलल, या चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एंड फोर्स भी आपस में पैरेलल होंगे। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मशहूर न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर जो चीज प्रूव की जाती है वो ये प्रूव की जाती है, फोर्स एक्ट इन पेयर्स। के न्यूटन थर्ड लॉ में हम ये चीज प्रूव करते हैं कि फोर्स हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सिंगल आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता,
जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे आपको उसके मुतबादल रिवर्स फोर्स जो है वो लाजमन मिलेगी। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट, आप जितनी भी मोशंस देखेंगे, इवन के जो बर्ड्स हैं उनका फ्लाई करना, ये न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक है। बर्ड्स जो हैं अपनी विंग्स से एयर को नीचे प्रेस करते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर उड़ते हैं। अगर स्विमिंग को देखें तो एक जो स्विमर है वो क्या काम करता है, पानी को अपने हाथों से ऐसे पीछे धकेलता है, खुद आगे जाता है। इसी तरह से बोट की जो रनिंग है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक है। इसी तरह से बुलेट फायर होता है, रॉकेट की प्रोपल्शन है, ये सब की सब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक है। सो ये आपके पास एक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल है लेकिन माइनस का साइन जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक टेनिस बॉल है तो आपने उस बॉल की मदद से दीवार पर एक्शन किया है तो दीवार बॉल पर रिएक्शन करेगी। मतलब एक्शन आपका किस पे था, बॉल पे, मतलब एक्शन करने वाले आप हैं और रिएक्शन करने वाली दीवार है। एक्शन और रिएक्शन सो एक्ट एट डिफरेंट बॉडीज, तो एक्शन और रिएक्शन जो है ये डिफरेंट बॉडीज एक्ट करती हैं लेकिन सिंगल बॉडी पर एक्ट करती हैं। मैंने बॉल पर एक्शन किया है, दीवार ने बॉल पर रिएक्शन किया है, तो एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पर दो डिफरेंट बॉडीज जो है वो एक्ट करती हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, क्योंकि दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल हैं और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये कभी भी फोर्सेज एक दूसरे को कैंसल नहीं करती, बल्कि इनके अंदर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है एक वक्फा होता है कि एक्शन के फौरन बाद रिएक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन अभी एक्शन होने वाला है और रिएक्शन भी साथ ही तैयार है, नहीं, पहले एक्शन होगा फिर उसका रिएक्शन होगा। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उम्मीद है कि काफी हमने बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। अगले लेक्चर में हम इन्हीं न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे। तो लास्ट बात हमारी वही होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये हमारा अभी फर्स्ट पोर्शन चल रहा है फोर्स एंड मोशन। इसी तरह से जो पीपीएससी और एफपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम तैयार इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो अभी हमारा स्टेप वन चल रहा है, उम्मीद है आपको काफी ज्यादा इसका फायदा हो रहा होगा। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।